Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. Today's topic is structural isomerism. एक बहुत ज़्यादा basic और easy topic है, आप इसको आराम से take down कर सकते हैं. अगर हम structural isomerism के बारे में बात करें तो according to structural isomerism, उसका जो molecular formula होता है वो same होना चाहिए, but उसका जो structure होना चाहिए वो different होना चाहिए. Same molecular formula, but different in structure. अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टोटल छह पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म, देन पोजीशन आइसोमेरिज्म, देन मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, एंड द लास्ट वन इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म से. चेन आइसोमेरिज्म कहता है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट पेरेंट चेन डिफरेंट होनी चाहिए. इंपॉर्टेंट है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए. आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन या फिर किसी को भी क्रॉस चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको यह देखना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है. जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं. ये हमारा C4H10 है, ये भी हमारा C4H10 है. सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है. एज यू कैन सी हियर, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, और 10 हाइड्रोजन इसमें है और 10 हाइड्रोजन इसमें है. इसकी जो पेरेंट चेन है, एक दो तीन चार, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन की पेरेंट चेन होती है. इसमें चार कार्बन की पेरेंट चेन है और इसमें इसमें तीन कार्बन की पेरेंट चेन है हमारी, 1, 2 एंड 3, फोर कार्बन एंड थ्री कार्बन. सो दे आर चेन आइसोमेरिज्म. ठीक है, एक और एग्जांपल आपको बताता हूं मैं. जैसे हम इसमें देखते हैं, इस वाले में पेरेंट चेन एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन की है, एक दो तीन चार, चार कार्बन की इसमें है, और इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आप किधर से भी देखेंगे तो इसमें तीन कार्बन की ही पेरेंट चेन आ रही है. सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है. एक दो तीन चार पांच कार्बन, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन. जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा तब हम आगे फर्दर देखेंगे कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म लग रहा है. इसमें पांच कार्बन की, इसमें चार कार्बन, इसमें तीन कार्बन, तो ये भी आपस में चेन आइसोमेरिज्म हुए. अब हम बात करते हैं पोजिशन आइसोमेरिज्म के बारे में. सेम चेन आइसोमेरिज्म की तरह इसमें भी यही है. इसमें भी अप्लाई होगा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए. सबसे पहले आपको इसी को ही देखना होता है. और पोजीशन आइसोमेरिज्म में होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच, ईदर ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप या फिर ब्रांच की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए. और फंक्शनल ग्रुप में भी आपको याद रखना है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए. जैसे कि COOH, CHO, इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप नहीं होने चाहिए. जैसे OH हमारा एल्कोहल है, वो फंक्शनल ग्रुप चलेगा, बस कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए. चलिए आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूं मैं. पहला एग्जांपल है, जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है. 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, छह कार्बन इसमें भी, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है. हाइड्रोजन हम काउंट करते नहीं क्योंकि सिंपल है, ऐसा दिख रहा है. और इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो ब्रांच लगी है वो ये है, इस वाले में ब्रांच ये है. इसकी नंबरिंग कर लेते IUPAC के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5. इसमें तो किधर से भी करो, लेफ्ट से करो या राइट से करो, सेम नंबर आएगा, 1 2 3 4 5. ठीक है, इसमें जो हमारी ब्रांच है वो ये है, इसमें जो ब्रांच है वो हमारी ये है. ब्रांच की पोजीशन इसमें आ रही है सेकंड कार्बन पे, इस वाले में आ रही है थर्ड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे आ रही है. तो ये आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे. एक और एग्जांपल आपको देके बताता हूं.
जैसे आपके सामने ये है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही देखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। उसके बाद हमें फंक्शनल ग्रुप अगर है उसमें तो फंक्शनल ग्रुप देखना है कि कार्बन कंटेनिंग तो नहीं है। इसमें OH है, इसमें भी OH है, तो ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है और इस पे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबरिंग करते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें इस वाले में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आ रही है फर्स्ट कार्बन पे, इस वाले में आ रही है सेकंड कार्बन पे, तो ये भी आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। अब बात करते हैं मेटामेरिज्म के बारे में। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे हम चेन और पोजीशन में देखते थे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप। एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए ब्रिज फंक्शनल ग्रुप में। इन केस यू डोंट नो व्हाट इज ब्रिज फंक्शनल ग्रुप, ब्रिज फंक्शनल ग्रुप आर, जैसे ये हमारे सामने ईथर है, ईथर के दोनों साइड वैलेंसी खाली है, और जैसे कि थायो ईथर होता है हमारा, ये थायो ईथर है, और कीटोन होता है, कीटोन में भी दोनों साइड वैलेंसी खाली होती है, आप दोनों साइड कुछ भी ग्रुप लगा सकते हैं, या फिर आपको ईस्टर, हमारा ये हमारा ईस्टर है, इसमें भी दोनों साइड खाली है, आप कुछ भी ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये है आपके सामने, अगर आपको इसको टैकल करना हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद आपको देखना है कि ब्रिज फंक्शनल ग्रुप कहां पे है। ये ब्रिज फंक्शनल ग्रुप है, इस वाले में ये वाला ब्रिज फंक्शनल ग्रुप है। इसमें आपको ये देखना होता है कि दोनों साइड जो एटम का अरेंजमेंट है और यह ग्रुप है वो डिफरेंट है कि नहीं। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें दो कार्बन है, इस वाले में दो कार्बन है, ठीक है। इस वाले में हम देखें तो इसमें तीन कार्बन है और इस वाले में इधर साइड एक कार्बन है, तो ये आपस में मेटामर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मेटामर है। दो कार्बन, तीन कार्बन और एक कार्बन, एक आपको और एग्जांपल देके बताता हूं। अब जैसे ये, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों में क्या है कि इस वाले में इधर साइड तीन कार्बन है, इधर साइड एक कार्बन है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दोनों तो आपस में मेटामेरिज्म शो करते हैं, बट मैं आपको बताऊं कि ये है आइसो और ये है नॉर्मल, ये तीन कार्बन का नॉर्मल है और ये वाला आइसो में आता है। इन केस यू डोंट नो व्हाट इज आइसो, एक ही कार्बन पर, एक कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हों, जैसे इसमें एक कार्बन है, इसमें दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसको हम आइसो बोलते हैं, और ये लगातार तीन कार्बन है, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल चेन है हमारी, ये तीन कार्बन की, इसमें आइसो, ये भी आपस में मेटामेरिज्म शो करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल कार्बन का है और ये वाला आइसो है हमारा। आपको बताता हूं, जनरली स्टूडेंट उसमें गलती कर देते हैं, जैसे ये है, और ये हमारी बेंजीन। जैसे इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम ब्रिज फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, इसमें ये है और इस वाले में ये है। अगर आप इसमें देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपस में मेटामर नहीं होंगे, बट ये मेटामर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो बेंजीन की कनेक्टिविटी है वो कार्बन से है और इस वाले में बेंजीन की कनेक्टिविटी ऑक्सीजन से है, तो डिफरेंट हो गया ना, इस वजह से ये भी आपस में मेटामर है। कनेक्टिविटी का भी आपको ध्यान रखना है कि कनेक्टिविटी है कि नहीं है, तो ये आपस में मेटामर हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। अगर हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो सेम जैसे पहले था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे कि ये है और एक ईथर का ले लेते हैं, ये ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एल्कोहल लगा हुआ है OH, और इस वाले में हमारा ईथर है
ROR, तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गए। अब इस वाले को देखते हैं, एक एल्डिहाइड बना देता हूं और एक कीटोन। अब जैसे इस वाले को आप देखेंगे, ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है, तो ये भी हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे कि ये है आपके सामने ये आ गया, तो अब इसमें आप फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये ग्रुप हमारा ईस्टर है, तो ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। दो एग्जांपल्स को और देखते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, इस वाले में इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, ये एसिड क्लोराइड है हमारा, ये हमारा कीटोन है और ये हमारा हैलाइड ग्रुप है, तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गए। अब इस वाले को देखते हैं, जैसे इस वाले को देखेंगे तो इसमें हमें सबसे पहला स्टेप देखना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ये आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है, शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। और अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसका ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डर देखते, तो सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए फंक्शनल को, फिर मेटामर को, फिर चेन को और फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म की। ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। जब भी आप देखेंगे, अगर आपको चेन, मेटामर या फंक्शनल में कोई चूज करना हो, तो आपको फंक्शनल आइसोमर को ही चूज करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देखेंगे।